मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो चुके हैं। सरकार ने चुनाव से संबंधित अध्यादेश वापस ले लिया है, जिस पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद प्रदेश में कई जगहों पर चुनाव रद्द होने पर गुस्सा देखा गया, मायूसी देखी गई। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में उदासी है। काफी खर्चा करने के बाद ऐन वक्त में पंचायत चुनाव रद्द होने से उनमें गुस्सा भी देखा गया। इस बीच मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है। बता दें, पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर अब पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। अभी तक चुनाव होते तो वो 1 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट के आधार पर होते। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटने के लिए दावे आपत्ति के लिए कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे और इसके बाद 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी। मामले पर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है। परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता सूची निष्प्रभावी हो जाएगी और एक नए सिरे से अब पंचायत चुनाव होंगे।